वेलकम बैक टू मजाक रात। ये जो आपकी फिल्म आ रही है उसका नाम 13 है या 13 है? हमारे लिए 13 है और बाद लोगों के लिए 13 है। अच्छा, क्या चक्कर क्या है? ये 13 एक्टर्स हैं उसमें, 13 लाख पेमेंट ली है ना करो। की चक्कर है? इसमें 13 का हिंसा को बड़ा अहम है। ना कोई 13 ना कोई मेरा। माशाल्लाह इन्होंने कोट नु बटन भी 13 ही लुवाए मैं लग रहा है। बाजी इन्ने बटन कोट है कि डैग के। सलीम साहब बताइए। मर्डर मिस्ट्री है, टीपू। अच्छा। भाई उसमें कर रहे हैं लीड कैरेक्टर, अरे जो कि 13 मर्डर करने, मैं बता इसलिए रहा हूँ कि ट्रेलर में भी कहानी रिवील की हुई है, उसे 13 मर्डर करने और मैंने उसको रोकना है। सलीम भाई आपने थिएटर भी बहुत किया। यस सर। तो आप ये समझते हैं कि आपको ये जो इस वक्त निखार है परफॉर्मेंसेस में आपकी मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में, तो आपको थिएटर ने बड़ा सपोर्ट किया? सर थिएटर आपको अनफोल्ड कर देता है, आपका आपका किरदार बना देता है, आपको मुझे लगता है जादूगरी सिखा देता है। यानी पंजाबी जी जिन्हों के अंदर चाका खुल जाता है। यस सर, वो जो कहते हैं ना आदमी 1000 आदमी बैठा हुआ है और आपने उनको अदाकारी नहीं करनी, उनको मैनेज भी करना है आपने। सरदार साहब तो इन्नी एक्टिंग च खुबे ने, का टीवी ते ड्रामा वेखण दे विच वक्फा होया तो उठ के बोतलां वेचण लग पए। एक दौर था कि एक्टर थिएटर से होके ही एक्टर बनता था, लेकिन आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया से भी वायरल होके एक्टिंग में लोग आए। आपने उनके साथ भी काम किया है और न्यू जनरेशन जो सोशल मीडिया से आई है उनके साथ क्या फ़र्क लग रहा है आपको? मैं हमेशा कहता हूँ कि सोशल मीडिया आजकल की बहुत बड़ी ज़रूरत है, लेकिन सोशल मीडिया मशहूर होने की सनत है। मतलब आप मशहूर हो सकते हैं सोशल मीडिया पे, जो लोग मशहूर होते हैं मैं उनको एडमायर करता हूँ, उनको पसंद करता हूँ, मैं खुद भी देखता हूँ उनको, लेकिन अदाकारी से उसका ज़रा डिस्टेंस। तो लर्न करना चाहिए। और ये भी हो सकता है जैसे वो सोशल मीडिया पे जो काम कर रहे हैं, हो सकता है मैं या इमरान या हम लोग नहीं कर सकते। मशहूर होना केड़ी औखी गल है, अपने आप नूं अग ला लो मशहूर हो जाओ। ए मशहूर होण लगे सन। अच्छा, इन्हां दे हमसाए ने पानी वाली बाल्टी सुट। जुलम मत करो। अच्छा, अस्सलामुअलैकुम सर जी। अस्सलामुअलैकुम सबको। अस्सलामुअलैकुम सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आइए आइए, क्या हाल है? अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम सर, क्या हाल है सर? सर बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका सर जी। सर मुझे भी फिल्म में चांस मिलेगा सर जी? मैंने फिल्म में काम किया सर जी, मैं अपनी ब्याह दी फिल्म के बच्चे आया सर जी। उस फिल्म जो 2 गाने पा के रिलीज कर दे। एहतियात ना करया कर, पिछले ही तेरा मुंह डिग पिया। दैट्स ऑल, थोड़ा सा केयर था। सर आपके लिए एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। यस बेबी, जस्ट कम ऑन। प्लीज प्लीज तशरीफ रखिए सलीम साहब। सर ये मैं मोहब्बत कभी नहीं भुला सकूंगा। मेरा ख्याल है फोन आया। सर ये मैंने लिखा है, मत जुल्म करो अपनी जिंदगियों पर, रात को देर तक जागना हमारा फैशन बन चुका है। ये मैंने लिखा है सर जी, पूरी रात हम जागते रहते हैं जबकि रात कुदरत ने आराम के लिए बनाई है। पूरी रात मोबाइल फोन देखना और दोपहर तक सोए रहना, ये रूटीन हमारी जिंदगियों को खा रही है। वाह वाह, कितनी बदकिस्मती है कि जब जानदार रिज्क की तलाश में निकलते हैं उस वक्त नौजवान सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। सर ये मैंने शेर लिखा है। शेर आप बोली जा रहे, सुना नहीं रहे। ऐसा ही शेर है। नींद की डोरी बनी सपने पिरोने के लिए, दिन है मेहनत के लिए, रात है सोने के लिए, बेवजह शबखेजियां करने से पहले सोच लो। शबखेजियां? हाँ जी, वाह। बेवजह शबखेजियां करने से पहले सोच लो, खुद वजह बन जाए ना ये रात रोने के लिए। आंसू बहाने से रात नहीं ढलनी, आंसू बहाने से रात नहीं ढलनी, बेबिया ओ बेबी तेरी मर्जी नहीं चलनी। मैं उन लोगों से मुखातब हूं
जो आधी रात अवारगी में गुजारते हैं और आधी रात इंटरनेट पे गुजारते हैं, वक्त की रफ्तार को नहीं रोका जा सकता। नहीं, हरगिज नहीं रोका जा सकता जी। बल्कि वक्त के साथ मिलना पड़ता है। ये बात आया आया है। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना सेहतमंदी और तंदुरुस्ती की इलामत है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सबसे ये पूछना चाहता हूँ, जो भुलदा है उदो अपना मगज हिलांदा है। मैं बस सर यही कहना चाह रहा हूँ कि रात को जल्दी सोया करे, मेहरबानी होगी सर जी, बड़ी मेहरबानी होगी। तू सारे नु सुवा के चोरियां कर दिया रात नु। पर ये शेर लिखा मैंने आखिरी, रिस्क जब ढूंढ रहा था तुझको बेखबर हो के तब तू सो रहा था, कितने लोगों ने बना ली किस्मत एन उस वक्त जब तू सो रहा था, हर मसले का है सिर्फ हल ये, आजा मेक्सिको चलिए, मेक्सिको चलिए, मेक्सिको चलिए, मेक्सिको चलिए, क्लियर नसीहत कर रहे हैं। आपसे छोटी सी बात करना चाहता हूँ।